नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप हौसला से भरपूर होंगे। आज इस हार्ट डिजीज की ही श्रृंखला में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ही हम ले रहे हैं क्या क्या वो लक्षण है, यानी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसके अगर लक्षण, प्रमुख लक्षण में बात की जाए तो सबसे पहला लक्षण है हमारे हृदय में ही दर्द होने लगते हैं, दिल में दर्द हो जाएंगे या बिल्कुल डिस्कम्फर्ट, हमें बड़ा ही बेकार जैसा लगने लगेंगे। इसके साथ ही एक ऐसा फीलिंग आएगा जिसमें कि हमारे चेस्ट पर कोई बिल्कुल चढ़ गया है या बिल्कुल इसे निचोड़ रहा, स्क्यूज कर रहा, इस तरह से बहुत दबाए हुए है, ऐसा फीलिंग आएगा। हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, हमारे सांस जो हैं बहुत ही छोटे हो जाते हैं। इसके साथ ही नौसिया आ जाते हैं, आपको उल्टी जैसा ऐसा लगेगा। इसके साथ ही फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन ऑफ गैस भी आएगा, लगेगा कि हमने जो खाया है वो पचा नहीं है। तो इस तरह से कई मुख्य लक्षण हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। अब हम जानने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से डायग्नोसिस या टेस्ट हैं। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसके तहत मित्रों, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर दर्द हो रहा है तो निश्चित है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने लोकल डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास। तो उनको अगर संदेह होता है तो वो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यह दिल का मामला है, यह हमारे जनरल फिजिशियन से काम नहीं चलेगा। तब जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, हम पहुँचते हैं, तब वो हमारे धमनियों और नसों की समस्या का विशेषज्ञ विशेषतापूर्वक जांच करते हैं और तब निदान करने के लिए हमारे लक्षणों को, हमारे मेडिकल हिस्ट्री को, हमारे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं, रिस्क फैक्टर हैं, ये सब के बारे में वो पूछते हैं, हमसे इंटरव्यू करते हैं और प्रीवियस अगर कोई मेरा मेडिकल हिस्ट्री रहा या भी, और इन्हीं सारी सूचनाओं के आधार पर वो कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं कुछ जाँच करवाने के लिए बोलते हैं, ताकि यह देखा जा सके, यह स्थापित किया जा सके, कन्फर्म किया जा सके कि इन्हें धमनिया में ही यानी कि कोरोनरी आर्टरी में ही समस्या है। तो कुछ ऐसे सामान्य जांच है, आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जांच होता है ECG या EKG, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को PQRS के फॉर्मेट में ये तय करता है और इससे पता लग जाता है कि हमारे हार्ट कितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगला है इकोकार्डियोग्राम, जिसे इको बोलते हैं, ये थोड़ा इनहेंस है, इसमें टिश्यू लेवल तक का पता चल जाता है क्लियरली। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस टेस्ट, ये ट्रेडमिल पर दौड़ा के, ये ECG ही है, लेकिन ECG के ही सारे लीड हमारे बॉडी में लगे रहते हैं और हम ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें दौड़ाकर तो ECG लगाया नहीं जा सकता है, तो ट्रेडमिल पर हम दौड़ते रहते हैं और यह देखा जाता है कि कब इनका ब्लड जो है सफिशियंट पंपिंग करना छोड़ दिया, यानी कि कहां तक कर रहा, इस आधार स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। अगला आता है न्यूक्लियर हार्ट स्कैन या न्यूक्लियर स्टेंट टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, जिसे EBCT भी कहते हैं, ये सब को हम आगे विस्तार में बताएंगे अपने एलैबोरेटेड वीडियो में। अगला आता है मैग्नेटिक रिजोनेंस एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है, पूरे शरीर या तो ग्रॉइन एरिया से, पैर से, या अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाथ से ही, यहाँ से एक घुसाया जाता है यंत्र और यहाँ से केमिकल इंजेक्शन देके एंजियोग्राफी हो जाता है। और इसके साथ ही इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है, जहाँ से भी काफ़ी पता लग जाता है, और कुछ बेसिक है जो कि एक्सरे है, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ का पता चल जाता है। इसके बाद ही अगर डॉक्टर को लगता है तो वो CT एंजियोग्राफी भी करवाते हैं, जो बड़ा ही लेटेस्ट और सस्ता है, जिसमें कि शरीर के अंदर कुछ भी घुसाया नहीं जाता है और 5 मिनट के अंदर भी हो भी जाता है। तो इस तरह से ये कुछ बुनियादी डायग्नोसिस और टेस्ट हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सस्पेक्ट होने से करवाते हैं। मुझे उम्मीद है आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और मेरे साथ बने हुए रहें, इसलिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।